मैंने ऊपर एक पीडीएफ फाइल शेयर की थी, बल्कि दो तीन दफ़ा शेयर की है ताकि आप उसको गो थ्रू कर लें। और उसमें हमने जो पिछले 50 साल में हमारी लर्निंग है और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप अप्रिशिएट कर लें कि किस तरीके से ये सफ़र का आगाज़ हुआ और 50 साल बाद हम कहाँ से कहाँ पे इसको लेके आए हैं। इसमें एग्रीकल्चर में जो भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है वो भी उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हमारी है, और जो अभी नया शुरू होने हो रहा है वो भी हमारा ही इसमें अमल दखल है। और इसमें ये नया नई सोच और नया तरीक़े काश्तकारी जो है वो भी हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि मैंने तकरीबन सारे ही जो ज़रात से मुतल्लिका डिवीजन्स हैं उनमें हाथ से काम किया हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन है। ख़ुद काश्तकार था मैं और ख़ुद ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के काश्तकारी करता था, और साल हर साल के ऊपर की मैंने काश्तकारी। और उसके बाद फिर बीज और मशीनों की नई मशीनों का डिज़ाइन करना, उसकी डेवलपमेंट, और फिर हार्वेस्टिंग मशीनरी की इंट्रोडक्शन, और फिर नए क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेसेस को बनाना, वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना, गवर्नमेंट को असिस्ट करना, और फिर इरिगेशन और फार्म डिज़ाइनिंग के ऊपर जितना भी है काम वो सारा, यानी कि आप जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ये 1977 में हमारे ही फार्म से ओरिजिनेट हुआ। और अभी हालांकि इसकी कोई अफादियत नहीं रही क्योंकि इसको इसने वो रोल छोड़ दिया जो इसको करना चाहिए था, और वो ये था कि ये काश्तकारों को पानी लगाने का खेत के अंदर तरीका बताते। लेकिन इन्होंने खाले पक्के करने शुरू कर दिए, जो कि एक ऐसा काम था, ऐसा अमल था जिसमें उनको शायद फ़ायदा था, तो बहरहाल वो अमल नहीं शुरू हुआ। तो ये स्लाइड लगाने का मकसद ये है कि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सारे रिलेटेड फील्ड्स का है, और जब भी हम ये सेशन क्लोज़ करेंगे उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको बहुत ही लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करने हैं, और आप हर किस्म का सवाल कर सकते हैं उसमें। किसी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि जी ये शायद इस काबिल नहीं है। जो भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सके आप, या जिसकी एलेबोरेशन की ज़रूरत है, बड़े खुले दिल के साथ आप उसमें सवाल कीजिए, और उससे सवालात करेंगे तो बाकी सबकी भी लर्निंग होगी। तो इसलिए मैं सबको इनक्रेज कर रहा हूँ कि आप जैसे ही सेशन शुरू होगा, पहला ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप ग्रुप में चेंज कर दी जाएगी और आपके सवाल जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और आप बहुत ही उसमें शिरकत करके ऐसे ऐसे सवालात करें जिससे लर्निंग हो, और लर्निंग आपकी भी हो और बाकी सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी भी लर्निंग हो और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। तो ये स्लाइड इस मकसद के लिए मैंने शेयर किया है कि आप खुले दिल से हर किस्म का सवाल जो है ज़राअत से मुतल्लिक़ या क्रॉप प्रोडक्शन के मुतल्लिक़ वो कर सकते हैं। शुक्रिया।